दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। गर्मियों का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ फ्रेंड्स, टॉपिक देख के आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये गर्मियों के टाइम पे बच्चों को सबसे ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, मैं अभी कश्मीर में हूँ और यहाँ पे इतनी गर्मी तो नहीं ही है, वेदर बहुत ही कूल है, बट ऐसा होता है कि कभी कभी अचानक से गर्मी हो जाती है यहाँ पे। तो जब बच्चे उस हीट में भी खेल लेते हैं तो बच्चों को लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। लू को हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज डिटेल्स बताऊंगी कि आपको कब पता चलेगा कि बच्चे को नॉर्मल तबीयत खराब है या फिर बच्चे को सचमुच में लू लग गया है, सच में उसको हीट स्ट्रोक हुआ है। उसके उपाय भी बता दूंगी और उसके बचाव भी बता दूंगी, क्या करने से आपके बच्चों को जो है वो ऐसा होगा ही नहीं। जो मैंने ट्राई किया है फ्रेंड्स, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मदर्स फ्रेंड हमेशा वही चीज शेयर करता है जो उसके साथ हुआ रहता है। मैं वही वीडियो लाती हूँ जो मेरे साथ हो चुका रहता है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं कहूंगी कि आप लास्ट तक तो जरूर देखिए। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लक्षण के बारे में कि क्या देख के आप कह सकते हो कि बच्चे को पक्का लू ही लगी है। सबसे पहली चीज कि जब बच्चा खेल के आएगा ना बाहर से, तो आप देखेंगे बच्चा बहुत ज्यादा बुझा बुझा सा है, बिल्कुल सुस्त सा रहेगा। जो बच्चा इतना ज्यादा एक्टिव होता है वो बच्चा एकदम से मुरझा जाता है। मतलब मेरे साथ स्टार्टिंग में यही हुआ था, एकदम से बच्चे मेरे तो जो कहते हैं ना खुश रहने वाले एकदम चुप से हो गए थे, आके बेड पे लेट जाना बिल्कुल ऐसा ही, तो एनर्जी लेवल उनका कम हो गया था। फिर दूसरा लक्षण था फ्रेंड्स कि उसको बहुत ही हाई लेवल का फीवर आ जाना, अचानक से फीवर बहुत तेज आना, मतलब 101, 102 इस तरह सा फीवर आना, और इतने फीवर आने के बाद भी बच्चे को बिल्कुल पसीना नहीं आना, एकदम सूखा ड्राई वाला बुखार 102 करके आता है बच्चे को, 101 ऐसा एकदम हाई फीवर। तीसरा लक्षण है कि बच्चे को कभी कभी जो है वो उल्टियां भी हो जाती। मेरे बच्चों को उल्टियां नहीं हुई थी, बट ऐसा देखा जाता है कि जिस बच्चे को लू भी लगता है उसको उल्टियां भी आ जाती है। साइन जो मेरे बच्चे के साथ भी हुआ था वो है सिर में तेज दर्द। बच्चा स्पेशली छोटे बच्चे भी बताने लगेंगे आपको कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो चाहेंगे कि आप उसके सर को जो है वो दबाना स्टार्ट करो। तो जब इस तरह का लक्षण आपको देखने लगे, उन्हें बारी बारी से प्यास आना, मतलब कि नींद में भी उठ करके 2-3 बार पानी मांग लेना, तो आप समझ जाओ कि बच्चे को लू ही लगा है। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ लक्षण थे, पर अब मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि क्यों लू लगता है बच्चे को। इसमें से एक रीजन मेरे साथ, मैंने भी गलती कर दी थी फ्रेंड्स, तो मैंने चाहूंगी वो गलती आप करो। सबसे पहली चीज कि बच्चे को गर्म हवा में धूप में खेलने मत दीजिए। अब खेलने तो बेशक आप नहीं दोगे, बट क्या होता है कि हम मॉम स्कूल बच्चे को भेजते हैं, धूप में बच्चे को आना जाना पड़ता ही है, तो कोशिश कीजिए कि बच्चे के साथ हमेशा एक अम्ब्रेला हो, एकदम बिल्कुल धूप में इसको अभी बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। दूसरा है फ्रेंड्स कि बच्चे को कम मात्रा में पानी पिलाना, मतलब उसको जितना नीड है। ठंड के मौसम में बच्चे कम पानी पिए तो चलेगा, गर्मियों के मौसम में कोशिश कीजिए कि बच्चे को खूब लिक्विड वाला फूड भी खिलाएं और पानी तो खूब पिलाएं। बच्चे को लस्सी, छाछ, तरबूज का जूस, अनार का जूस, मतलब इस तरह का चीज तो खूब इंटेक कराइए। बच्चा रोटी चावल थोड़ा कम भी खाएगा चलेगा, बट बच्चे को लिक्विड वाला चीज खूब दीजिए, लस्सी, छाछ, सब कुछ। आप देखेंगे बच्चे को लू बिल्कुल भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, पानी कम पिलाएंगे तभी बच्चे को लू लगेगा। तीसरी चीज है फ्रेंड्स कि आप सही तरह से बच्चे को ड्रेसअप नहीं करते हो। क्या होता है कि कई बार बच्चे को हम नॉर्मल ड्रेस पहना देते हैं, जबकि गर्मियों के लिए एकदम स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप कॉटन का ही ड्रेस बच्चे को पहनाइए। लाइट कलर का ड्रेस हो, लाइट वेट का ड्रेस हो, एकदम ऐसा नहीं कि आप फुल बाजू का पहना रहे हो। इतना तो हर मॉम करती है कि फुल बाजू का नहीं पहनाती, बट क्या होता है कि कपड़े सही चुनते नहीं हम। अपना नीड थोड़ा कम कर दो चलेगा, लेकिन बच्चे का हर एक चीज, आप एक एक चीज पर ध्यान दो। बच्चा धूप में जा रहा है या इस टाइम अभी क्या कि देखो दिल्ली जैसे जगह पे कि शाम में 6-7 बजे तक कड़क धूप रहती है, धूप अच्छी खासी रहती है, तो बच्चे को हैट लगा करके भेजना है। तो हर एक चीज का आप जब ड्रेस बच्चे का अच्छे से चेक करोगे, सिर्फ ड्रेस नहीं, बच्चे के शूज, बच्चे के सॉक्स, बच्चे का हर जो शॉक्स होता है वो भी बिल्कुल कॉटन के कपड़े का हो, हर एक चीज अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे बच्चे को लू नहीं लगेगी। और लास्ट रीजन है फ्रेंड्स जो मेरे साथ हुआ था वो है कि गर्म चीज का सेवन करवाना, खिलाना। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं कश्मीर में हूँ,
तो यहाँ पे क्या है कि कभी वेदर ठंडा हो जाता है, आज भी देखो इतनी तेज बारिश हुई है यहाँ पे, तो वेदर कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म, बहुत मतलब गर्मी भी हो जाती है, इस तरह का भी चेंज हो रहा है। तो मई जून में ऐसा ही चेंज होता है। इसमें क्या हो गया था, बीच बीच में मैं कभी बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे रही थी, कभी कभी च्यवनप्राश भी देना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे के गले में थोड़ा सा जुकाम जुकाम सा हो रहा था इसलिए। पर ये चीज ना बच्चे के लिए ज्यादा हो गया था, इसलिए भी बच्चे को, जब बच्चे थोड़ा सा ज्यादा खेलने के लिए बाहर गए थे मेरे, तो उसको लू लग गया था। और क्या हो गया था यहाँ पे कि मैंने फुल टी शर्ट पहना, कि कॉटन का ही था बट फुल पहना था, और मैंने सोचा था चलो ठीक है थोड़ी देर धूप में खेलेंगे, बट क्या हो जाता है कि फुल ड्रेस और बच्चे को वो जो हवा चलती है ना धूप वाली गर्म वाली, बस उसी से बच्चे को लू लग गया था। तो यही चीज आपको ठंड के मौसम में भी देखना है फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, और गर्म गर्मियों के मौसम में जैसा अभी आप लोग के साइड चल रहा होगा वो तो आप लोग देखोगे। तो बस यही है कि गर्म धूप वाली हवा में बच्चों को नहीं खेलने देना है, सही से ड्रेसअप करना है बच्चे को, पानी खूब पिलाना है बच्चे को, तो ये सारी चीज पर ध्यान रखेंगे तो बच्चे को लू बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये सब मेन रीजन था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको इसके कुछ उपाय बता देती हूँ कि अगर अब आपके बच्चे को लू लग गया है तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज कि बच्चे को इमिडिएटली आप कूल डाउन कीजिए, जो मैंने किया था, बच्चे का जो भी ड्रेस है वगैरह सबको खोलिए, बच्चे को एकदम कूल डाउन कीजिए, बच्चे को ठंडी जगह पे रखिए। दूसरा चीज करना कि गीले टॉवल से फटाफट बच्चे के पूरे शरीर को पोंछ देना, नहलाने की आपको जरूरत नहीं है, बच्चे को पूरे अच्छे तरीके से पोंछ देना है, और एकदम लाइट कलर का ड्रेस बच्चे को पहना देना है। तीसरा चीज है फ्रेंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप बच्चे को ऐसे जूस और ऐसे चीज पिलाइए जो कि गर्मी को काटता हो, जैसे जलजीरा हो गया, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आम पन्ना। अगर आपको कहीं भी आम पन्ना दिखता हो फ्रेंड्स, बच्चा नहीं भी पीना चाहता तो गुस्सा करके भी 2 चम्मच भी सही, पर पिलाइए जरूर। हमारे घर में पहले मम्मी लोग क्या करती थी फ्रेंड्स, आम पन्ना कैसे बनाती थी मैं आपको बता देती हूँ। मम्मी लोग आम लेती थी और उसको आग में पकने के लिए छोड़ देती थी। अगर आप पकने के लिए नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, कुकर में थोड़ा सा पानी डालिए, 3-4 कैरियां कच्चे आम का जो होता है उसको डालिए, और 2-3 सीटी लगा दीजिए, आम का जो है वो कैरी जो वो गल जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा। फिर क्या करती थी मम्मी, उसको ठंडे पानी में रात भर छोड़ देती थी, उसको तुरंत बना के बच्चे को मत पिलाइएगा वरना गर्मी कर जाएगा। रात भर आपको उसको पानी में छोड़ देना है आम को, और अगले दिन उसका पल्प निकाल करके मिक्सी में पीसना है, एकदम सेक जैसा बना देना, उसमें थोड़ा सा आप चाहो तो काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा वगैरह मिला करके बच्चे को पिलाना, आप चाहो थोड़ा सा शुगर भी डाल सकते हो, चीनी भी मिला करके बच्चे को पिला सकते हो। थोड़ा खट्टा सा जरूर लगेगा लेकिन इमिडिएटली वो लू लगा रहेगा अगर आपके बच्चे को, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपके बच्चे का तुरंत बुखार उतरना स्टार्ट हो जाएगा अगर लू लगा रहेगा तो। अदरवाइज मैं ये भी कहूंगी कि जैसे कि गर्मी के समय में भी बच्चे आते हैं थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, उस टाइम पे भी अगर आप थोड़ा सा आम पन्ना पिला दो ये वाला, आप ये देखोगे कि कितना ज्यादा एनर्जी आता है। बड़े लोगों को भी मैं यही कहूंगी क्योंकि बच्चे के जैसा ही बड़ों को भी लू लगता है फ्रेंड्स, तो सेम ये चीज अगर जो लोग रोज पियेंगे ना ये आम पन्ना कच्चे आम वाला, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो धूप में भी खेलने जाएंगे, कितनी भी गर्म हवा में रहेंगे, किसी को लू नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है। और एक टिप्स और दूंगी फ्रेंड्स, ये मैं मेरे गांव में होता था, मेरी दादी लोग करती थी, पता नहीं ये जिस चीज पे आप लोग कितना यकीन करोगे मुझे नहीं पता। जब भी बच्चे को लू लग जाता था ना, बहुत तेज बुखार आ जाती थी ना, तो जो मैंने बताया ना आपको आम उबालती थी जो मम्मी लोग कुकर में रात भर जो छोड़ देती थी पानी में, उसको पिलाती तो थी ही आम पन्ना बना के, साथ में उसका पल्प पूरे शरीर पे लगा देती थी मम्मी, रियलिटी में ऐसा हुआ था। और थोड़ी ही देर के बाद आप देखोगे बुखार जो है वो तुरंत डाउन हो जाएगा, वो जो शरीर पे लगता है उसका लेप, मतलब आप ये आप कभी ट्राई करके देखना, फटाफट बुखार जो है उसे उतर जाता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही, आपको कहीं भी गूगल वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, ये बस मेरा अपना तजुर्बा है, गाँव में मतलब दादी नानी लोग ऐसे ही करती थी और फटाफट फीवर उतरता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है कि फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि लू में क्या होता है ना बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं, बच्चे के सर में बहुत तेज दर्द होता है, तो उनको इमिडिएटली मेडिसिन चाहिए, पैरासिटामोल भी चाहिए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो भी आपको देना जरूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स कि बच्चे को बाहर का जूस वगैरह मत दीजिएगा, बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत दीजिएगा, इस टाइम पे जितना हो सके नारियल पानी, और आपको चाहो तो थोड़ा बहुत लस्सी दे सकते हो, आप चाहो तो दही जीरा दे सकते हो, या आप चाहो जल जीरा दे सकते हो, आप चाहो तो आम पन्ना जैसा कि मैंने बताया वो आप दे सकते हो। बच्चे को टाइम टू टाइम जो है वो एकदम शरीर को पोंछते रहिए, आप देखेंगे 2 से 3 दिनों में बच्चा जो है वो
ठीक हो जाएगा। बच्चे को बिल्कुल भूखे पेट नहीं रहने देना है फ्रेंड्स, जब भी बच्चे को लू लग जाए बच्चे को भूखे पेट मत रहने दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बिल्कुल खाना नहीं चाहेगा क्योंकि तबियत खराब रहता है, हम खुद भी नहीं खाना चाहते, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा ही सही उसको कुछ ना कुछ इनटेक करवाते रहें। वो जब वो खाता रहेगा उसको एनर्जी मिलती रहेगी, आप देखेंगे कि बच्चा का फीवर भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स यही एक वीडियो में लेकर के आई थी, कुछ टिप्स थे मेरे पास, मेरे साथ ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये चीज शेयर करती हूँ। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।